चंचल किरणें खेल रही थी जल तल में। अब यहां देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू का चय, चंद्र का चय, की चंचल का चय, चय व्यंजन क्या बनती है कारण यहां भी क्या है अनुप्रास अलंकार है। और आगे देख लीजिए, खेल के लय और जल में लय और फूल में लय, तो यहां पर क्या चय और लय व्यंजन की अभिव्यक्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो अब करते हैं हम नंबर दो पे यमक अलंकार। सबसे पहले परिभाषा देख ली थी, काव्य में जहां एक ही शब्द, यहां पर व्यंजन और वर्ण होकर के शब्द की बात करेंगे, काव्य में जहां एक ही शब्द बार बार आए, प्रत्येक बार उसका अर्थ, और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग निकले, अलग निकला उसे यमक अलंकार है, यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, जैसे काली घटा का विद्यार्थीगण, परिभाषा के अनुसार काव्य में जहां एक ही शब्द बार बार आए, तो इस काव्य पंक्ति में एक शब्द है जो बार बार आया है, यहां घटा और फिर आ गया है, और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग निकले, उसे यमक अलंकार कहते हैं। अलग अर्थ कैसे निकला कि यहां पर जो घटा शब्द है, पहला घटा, इसका अर्थ हो जाता है बदली, बादल का स्त्रीलिंग शब्द, कि काली घटा वर्षा करने के इरादे से आई थी, लेकिन किसी कारणवश वो वर्षा नहीं कर पाई, जिसके कारण उसका जो घमंड था वर्षा करने का, वो घटा कम हो गया, तो पहले घटा का जो अर्थ है वो बदली, और दूसरे शब्द घटा का जो अर्थ है वो कम होना। तो इस तरह से इस घटा शब्द का बार बार प्रयुक्त होना और भिन्न अर्थ को लेकर आना, अलग अर्थ को लेकर आना, यहां यमक अलंकार हो जाता है। इसका एक उदाहरण है, जैसे सजना है मुझे सजना के लिए। अब अलंकारों का क्या महत्व है भाषा के अंदर, इसे भाषा जो समर्पित हो जाती है, प्रभावशाली हो जाती है, अलंकारों का इस तरह से भाषा में बड़ा प्रभावात्मक महत्व होता है। तो सजना है मुझे सजना के लिए, इस काव्य पंक्ति में भी देख लीजिए, सजना शब्द है जो दो बार आया, कहने का मतलब बार बार शब्द का प्रयोग हुआ है, कोई इस प्रकार है, सजना यहां आएगा।
सजाना समारना, तो समारना होने